बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله عز وجل في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين। मुख्तसर हम्दो सलात के बाद मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, स्टेज पर रौनक अफरोज मशाइख, ज़ुआमा, सनाखान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलखुसूस आज की इस महफिल मुबारक के हमारे मेज़बान मोहतरम जनाब मारूफ नातख्वां हमारे मोहतरम सैयद साकिब शाह साहब ज़ीदा मजदहू, हमारे मोहतरम बिलाल भाई ज़ीदा मजदहू, दीगर हाज़रीन, सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की ये महफिल सईद हुज़ूर गौस समदानी, शाहबाज़ ला मकानी, क़िंदील नूरानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी रदियल्लाहु ताला अन्हु की 11वीं शरीफ के सिलसिले में हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत है 470 हिजरी की और आपका विसाल है 560 या 561 हिजरी का, यानी हुज़ूर गौसे आज़म का जो जमाना रहा वो 5वीं और 6ठी सदी हिजरी का जमाना रहा। इस वक्त है 15वीं सदी हिजरी, यानी तकरीबन लगभग 1000 साल के करीब का जमाना हुज़ूर गौसे आज़म और हमारे दरमियान है। इतना तवील अरसा गुजरने के बाद भी जगह जगह, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, करिया करिया, बस्ती बस्ती हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म के जिक्र की महाफिल का इनेकाद हो रहा है। ये जो जिक्र की महाफिल का इनेकाद है इस जानिब हमारी तवज्जो दिलाता है कि आखिर कोई तो बात थी उस अल्लाह वाले में कि 1000 साल गुजर गए, बड़े बड़े लोग आए और इस दुनिया से चले गए, मगर गौसे आज़म का जिक्र न कल कम हुआ था न आज कम होने का नाम ले रहा है, बल्कि जितने दिन गुजरते चले जा रहे हैं जितने जमाना गुजरता चला जा रहा है उतना ही गौसे आदम का नाम लेने वालों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि हुजूर गौसे आदम की 11वीं सिर्फ बगदाद में नहीं मनाई जाती, हुजूर गौसे आदम की 11वीं सिर्फ पाकिस्तान हिंदुस्तान में नहीं मनाई जाती, हुजूर गौसे आदम की 11वीं सिर्फ बांग्लादेश में नहीं मनाई जाती, बल्कि जितने तुस्को एहतिशाम के साथ हम यहाँ पर 11वीं मनाते हैं उतनी ही शान शौकत के साथ इंग्लैंड में भी गौसे आदम की 11वीं शरीफ की महफिलें हुआ करती हैं, अमेरिका में गौसे आदम की 11वीं की महफिलें हुआ करती हैं, ऑस्ट्रेलिया में गौसे आदम की 11वीं की महफिलें हुआ करती हैं। बल्कि उन 2017 में हुजूर सय्यदना गौसे आदम रदियल्लाहु ताला अन्हु की 11वीं शरीफ के मौके पर आपके दरबार गोहर बार में हाजरी का शर्फ जब नसीब हुआ तो वहां डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब खिताब फरमा रहे थे और खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि जब मेरा जमाने तालिब इल्मी था, मैं यहां पढ़ा करता था, तो जमाने में अक्सर वक्त मेरा गौसे आदम के दरबार में गुजरा करता था और मैं अपनी दाढ़ी से गौसे आदम के दरबार की झाड़ू लगाया करता था। फरमाते एक दिन ऐसा हुआ कि मैं तहज्जुद के वक्त में जब उठा तो मैंने देखा कि सियाह फाम अफ्रीकी लंबे लंबे कद के सियाह फाम वो हुजूर गौसे आदम के दरबार शरीफ पर हाजिरी देने के लिए आया। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि यार हम तो ये समझते थे कि सिर्फ हम ही गौसे आदम से मोहब्बत करने वाले हैं, सिर्फ अरब के लोग गौसे आदम से मोहब्बत करने वाले हैं या बर्रे सगीर पाक और हिंद के लोग गौसे आदम से मोहब्बत करने वाले हैं, मगर यहाँ तो सियाह फाम अफ्रीकी हुजूर गौसे आदम के दरबार में नजर आ रहे हैं। फरमाते जब मैंने उससे गुफ्तगू की और हमने उनसे कहा कि आप भी गौसे आदम से मोहब्बत रखते हैं, कि आपके यहाँ भी गौसे आदम का जिक्र होता है, तो कहने लगे उन्होंने मुझे बताया कि तुम गौसे आदम की मोहब्बत की बात करते हो, हमारे यहाँ तो गौसे आदम का इतना एहतराम है कि जब तक वुजू ना कर ले गौसे आदम का नाम नहीं बगैर वुजू के नाम लेने को बेअदबी समझा करते हैं। ये शान है गौसे आदम रदियल्लाहु ताला अन्हु की। इसीलिए मुहक्किकीन ने कहा कि हुजूर सय्यदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु की अजमतों को अगर समझना चाहे तो आप इस कैफियत में समझ सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की जो सिफात हैं उन सिफात की दो किस्में हैं। एक वो सिफात हैं जो अल्लाह ने किसी को अता नहीं फरमाई, वो अल्लाह की जाती सिफात है, उसका कदीम होना, उसका अजली और अबदी होना, उसका हमेशा से वजूद, उसका मौजूद होना, ये उसकी जाती ऐसी सिफात है जो उसने किसी को अता नहीं फरमाई। मगर कुछ सिफात ऐसी हैं जो उसने अपने बंदों को अता फरमाई, जैसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला की शान है कि अल्लाह रऊफ भी है और अल्लाह रहीम भी है। कुरान मजीद में है इन्नल्लाह बिन्नासी लरऊफुर रहीम, बेशक अल्लाह अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान बड़ा रहम करने वाला है। और ये सिफत उसने हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। फरमा लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। अल्लाह भी रऊफुर रहीम है अपने बंदों पर और मोहम्मद मुस्तफ़ा भी अपने गुलामों पर रऊफुर रहीम है। इसी तरह अल्लाह की शान है कि अल्लाह समी भी है और बसीर भी है, अल्लाह सुनता भी है और देखता भी है। और अल्लाह ने हम लोगों को भी देखने वाला और सुनने वाला बनाया। तो अल्लाह की कुछ शानें ऐसी हैं जिसका परतो, जिसकी तजल्ली उसने अपने बंदों को अता फरमाई। कुछ खास बात ऐसी है जो खास बंदे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। इसीलिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहर जात खुदाबंदी है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की सिफात का मजहर है। और फरमाते हुजूर गौसे आदम हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा की सिफात का मजहर है। फरमाते हैं कि गौसे आदम दरमियान औलिया, हुजूर गौसे आदम का मकाम मर्तबा अगर जानना है तो फरमाते हैं गौसे आदम दरमियान औलिया चूं मोहम्मद दरमियान अंबिया। जिस तरह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों में सबसे अफजल आला है, ऐसे ही वलियों में गौसे आदम सारे वलियों से अफजल आला है। हुजूर सय्यदना गौसे आदम खुद आप इरशाद फरमाते कुल्लु वलिय्यिन अला कदम नबी, हर वली किसी ना किसी नबी के कदम पर होता है और मैं अपने जद्द आला मोहम्मद मुस्तफ़ा के कदम पर हूँ, यानी मैं उनकी सिफात का मजहर बनाकर भेजा गया हूँ। अब उसकी चंद झलकियां देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो शाने हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई, हुजूर के सदक़े में हुजूर के शहजादे गौसे आदम को भी वो शान अता फरमाई। जैसे हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक शान कि हुजूर जब तक इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, आपसे पहले जितने नबी आए वो हुजूर के आने की खुशखबरियां देते रहे। हर नबी अपने जमाने में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशखबरी सुनाता था। यहाँ तक कि हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने जो खुशखबरी सुनाई, अल्लाह ने कुरान में उसको बयान फरमाया। 28वां सिपारा सूरह सफ के अंदर फरमाया, इन्नी मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। कहा, ऐ लोगों, आज मैंने तुमको जमा किया है, खुशखबरी सुनाने के लिए जमा किया है। आज मैं मुबश्शिर हूँ, बशारत देने वाला हूँ। लोगों, आज मैं मुबश्शिर हूँ और बशारत मोहम्मद मुस्तफ़ा है। जो खुशखबरी तुम्हें सुनानी है वो ये कि अब वो आने वाले हैं जिनका आज तक सब इंतजार करते चले आए थे, और उनका नामे नामी इसमें गिरामी में बताया। क्या शान है हमारे आका की। देखें, होता क्या है कि हमारे यहाँ जब बच्चे की विलादत हो तो छठे दिन लोगों को नाम बताया जाता है कि बच्चे का ये नाम रखा है। पहले बच्चा पैदा होता है, बाद में नाम रखा जाता है। मगर हमारे आका की शान ये है, आप दुनिया में आए नहीं हैं, आपके आने से पहले आपके नाम के चर्चे जमीन और आसमान में गूंज रहे हैं। नबी बता रहे हैं कि कौन आएगा, वो आएंगे जिनका नामे नाम इसमें गिरामी अहमद होगा। तो जब तक हमारे आका इस दुनिया में जलवागर ना हुए, अंबिया हुजूर की खुशखबरियां देते थे, और जब तक हुजूर गौसे आदम दुनिया में जलवागर न हुए, औलिया उनके आने की खुशखबरियां दिया करते। आप लोग सुभानअल्लाह बोलने का रिवाज नहीं आपके वहां, शायद जोर से बोले जरा यार। हमारे बिलाल भाई ने अभी तक आपको सुभानअल्लाह बोलना नहीं सिखाया। ये तो बीच में जरा खला भी है, थोड़ा सा इसको भी पूरा कर लेंगे ताकि बाद में आने वालों को जगह भी मिल जाए। बीच में जगह खाली है, थोड़ा सा आगे आ जाए। तो जब तक हुजूर गौसे आदम तशरीफ फरमा ना हुए तो सारे औलिया जो उनके जमाने से पहले के थे वो गौसे आदम के आने की खुशखबरियां दिया करते। चुनाचे सैयद ताइफा हजरत जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, ये इतने बड़े अल्लाह के वली हैं कि इनका लकब ही सैयद ताइफा है, वलियों के सरदार, अपने जमाने के वलियों के सरदार। और इनको जो विलायत मिली है ना, वो विलायत रियाजत और मुजाहिदी से नहीं मिली है, बल्कि वो विलायत आले रसूल का अदब करने से मिली है। बोले सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह के शहजादे का अदब किया। बहुत बड़े पहलवान थे, सरकारी पहलवान थे, बादशाह की तरफ से लड़ा करते थे, कोई इनको चित नहीं कर सका था। मगर एक मरतबा मुकाबले में एक सैयद सादे आ गए और कहा कि देखो, मैं रसूलुल्लाह का शहजादा हूँ, घर में खाने पीने को कुछ नहीं, पहलवान नहीं हूँ, रसूलुल्लाह का शहजादा हूँ। अगर आज तुम हार गए तो जमाने भर की जीत तुम्हारे नाम कर दी जाएगी। आले रसूल का अदब किया, उस दिन आले रसूल से शिकस्त खा ली। फिर अल्लाह ने वो बुलंदियां अता फरमाई कि जमाने के ताजदारों ने छोड़ दिया और मदीने के ताजदार ने सीने से लगा दिया। इतने बड़े वली आपके पीर और मुर्शिद हजरत सर्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह, वो आपको फरमाया करते थे, बेटा जुनेद, अल्लाह ने बड़ी खूबसूरत आवाज से तुम्हें नवाजा है, तुम वास किया करो, तुम्हारे वास से क्या होगा, तुम्हारे वास से खल्के खुदा को फायदा पहुंचेगा। वो अपने पीर मुर्शिद की बारगाह में 10 वर्ष सर्ज करते, हुजूर आपके होते हुए मेरी क्या मजाल कि मैं अपने भाइयों से, पीर भाइयों से खिताब करूं। हुजूर आपके होते हुए मैं खिताब नहीं कर सकता, मादरत कर लिया करते। एक रात ऐसा हुआ कि हजरत जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह आराम फरमा हुए तो ख्वाब में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो गया। और हुजूर ने कहा, बेटा जुनेद, अल्लाह ने तुम्हें बड़ी खूबसूरत लहन से नवाजा है, बड़ी खूबसूरत आवाज से नवाजा, वाज किया करो, तुम्हारे वाज से खल्के खुदा को फायदा होगा। अब जब हुजूर का हुक्म था तो कोई मजाल ही नहीं थी कोई बात कर सकते। सुबह जब बेदार हुए, बेदार होकर अपने मुर्शिद के दरबार में पहुंचे, अपने शेख को सलाम किया। जब सलाम कर कर फारिग हुए तो आपके शेख ने कहा, बेटा जुनेद, अब तो रसूलुल्लाह ने भी कह दिया है, अब तो खिताब कर लिया करो। लगे, हुजूर आपको कैसे पता चला, ख्वाब तो मैंने देखा था, आपको कैसे पता चला। हजरत सिर्र सक्ती कहने लगे, बेटा तुम ख्वाब में रसूलुल्लाह का दीदार कर रहे थे, हम ख्वाब में अल्लाह के जलवों से फैज हो रहे थे। हमें अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने बताया कि हमने अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा को तुम्हारे जुनैद के पास भेजा है कि वो उनको तरगीब देकर वाज किया करे। वो जुनैद बगदादी एक मरतबा अपने मुरीदीन के साथ हैं, मुराकबे की कैफियत है, और मुराकबे की कैफियत में कहने लगे, उसका कदम मेरी गर्दन पर, उसका कदम मेरी गर्दन पर, उसका कदम मेरी गर्दन पर। मुरीदीन कहने लगे, हुजूर किसका कदम आपकी गर्दन पर, या आप किसके लिए नारा लगा रहे हैं? हजरत जुनैद बगदादी कहने लगे, आज से 200 साल के बाद बगदाद की सरजमीन पर एक मर्द कलंदर होगा जो अल्लाह के हुक्म से बरसरे मिंबर ये ऐलान करेगा, कदमी हादिही अला रकबति कुल्ली वलीयिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। वो आएगा 200 साल के बाद, ऐलान करेगा 200 साल के बाद। जुनैद बगदादी आज ही अपना सर उनके कदमों के सामने झुका रहा है। वो जुनैद बगदादी। तो जब तक हुजूर नहीं आए तो सारे नबी आने की खुशखबरियां दिया करते थे, और जब तक गौसे पाक नहीं आए तो वली आने की खुशखबरियां दिया करते थे। हत्ता कि हुजूर गौसे आजम के जमाने में जब आपकी विलादत के बाद सआदत हो गई, आप बगदाद शरीफ में, तो एक उस जमाने के मशहूर बुजुर्ग हैं ताजुल आरिफीन अबुल वफा काकीस रहमतुल्लाह अलैह। हुजूर गौसे आजम की जवानी का जमाना, और ये ताजुल आरिफीन जो है ये अपने जमाने के बड़े बुजुर्ग हैं और उनके बड़े मुरीदीन, उनका हल्का लगा हुआ। तो ताजुल आरिफीन एक मरतबा अपने मुरीदों के साथ गुफ्तगू फरमा रहे थे, हल्का लगा हुआ था कि हजरत शेख अब्दुल कादिर भी उस महफिल में आ गए। तो ताजुल आरफीन ने अपने मुरीदों को कहा कि जो भी नौजवान आकर बैठा है इसको यहां से बाहर निकाल दो। मुरीदों ने पकड़ा, उनको बाहर निकाल दिया। हुजूर गौसे आजम, गौसे आजम थोड़ी देर के बाद फिर दोबारा आकर बैठ गए। उन्होंने फिर कहा जो नौजवान आकर बैठा है इसको निकाल दो। उन्होंने फिर पकड़ा, फिर बाहर निकाल दिया। गौसे आजम जब तीसरी दफा मरतबा आकर बैठे तो मुरीदों ने फिर पकड़ कर निकालना चाहा तो हजरत ने मना कर दिया। का असल में इनको निकलवाना मकसूद नहीं था, इनको तो दिखाना मकसूद था, इनकी पहचान करवाना मकसूद थी। अगर मैं निकालता नहीं तो दिखाता कैसे? मैंने 2 दफा निकालकर इसकी पहचान करवाई है। बेटे अब्दुल कादिर तुम मेरे करीब आ जाओ, बेटा अब्दुल कादिर तुम्हारी शान ये होने वाली है, कुल्लुदी किन यसरिखु व यसकुत, हर किसी का मुर्गे फजीलत अजान देता है और खामोश हो जाता है। हर किसी का एक जमाना हुआ करता है, उसके जमाने में फजीलत के डंके बजते हैं, जमाना खत्म कोई दूसरा आ जाता है। मगर बेटे अब्दुल कादिर तुम्हारी शान ये होने वाली है, जब तुम्हारा मुर्गे फजीलत अजान देगा तो कयामत तक उसकी अजान की गूंज सुनाई देने वाली, तुम्हारा जमाना कयामत तक होने वाला है। क्या खबर कितने आए, कितने मसनद नशीब हुए, बहुत सारों के नाम नहीं पता, बहुत सारों को, बहुत सारों के तारीखी मिसाल बहुत सारों को नहीं पता, मगर गौस पाक की शान ये कि बच्चे बच्चे को पता है 11वीं वाले पीर साहब कौन है, बड़े पीर साहब कौन है। इसी तरह प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने शान अता फरमाई कि जितने नबी इस दुनिया में तशरीफ लेकर आए, जब वो आफताबे, जब वो आसमाने नबूवत पर तारे बनकर चमके तो उनमें जो चमक थी वो मोहम्मद मुस्तफ़ा की चमक थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, ए हबीब हमने आपको सिराज मुनीर बनाकर भेजा है, हमने आपको आफताबो महताबे नबूवत बनाकर भेजा है। आप सिर्फ नूर नहीं है बल्कि नूर भी है और मुनीर भी है। नूर वो होता है जो खुद रोशन होता है, और मुनीर वो होता है जो खुद भी रोशन होता है, दूसरों को भी मुनव्वर कर भी फरमा हबीब हमने आपको सिराज मुनीर बनाया। तो जितने नबी आए वो आसमान नबूवत पर तारे बनकर चमके। इल्म हय्यत का मसला है कि जो तारे चमक रहे होते हैं ना आसमान पर, इन तारों की अपनी कोई रोशनी नहीं है। ये तारे कैसे चमकते हैं? ये तारे सूरज की रोशनी से चमकते हैं। सूरज पर्दे में होता है और पर्दे में रहकर इनको चमका रहा होता है, तो इनका चमकना यह बताता है कि कोई है जो पर्दे में रहकर हमको चमका रहा है। तो हुजूर जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दे में रहकर सारे नबियों को चमका रहे थे। तो जितने नबी चमके हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से चमके, जबी तो आला हजरत अदीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत परवाने शम्ए विसालत ने फरमाया कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तो जितने नबी चमके सब ने नूर लिया है आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और जितने वली चमके सब ने नूर लिया है हुजूर गौसे आदम रदियल्लाहु ताला से। जितने खानदाने तरीकत हैं, जितने सलासिले तरीकत हैं, सब तक हुजूर गौसे आदम का पैगाम पहुंचा, और जितने सलासिले तरीकत के बड़े बड़े पीर हैं हुजूर गौसे आदम उन सारे पीरों के पीर हैं। जबी तो पीराने पीर दस्तगीर है। हजरत सैयदना शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह जो सिलसिले सोहरवर्दिया के बानी हैं, ये हुजूर गौसे आदम के ज़माने में हुए, और इनकी जवानी का ज़माना था, हुजूर गौसे आदम के उरूज का ज़माना था। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह बहुत पाए के आलिम दीन थे, और ख़ास तौर पर आपको इल्म फ़लसफ़ा के साथ बड़ी रगबत थी, फ़लसफ़े के साथ बड़ा आपका लगाव था। तो आप क्या कर रहे थे कि फलसफे की किताबें आपने ज़बानी तौर पर हिफ्ज़ कर रखी थी। आपकी चचा जो थे वो चाहते थे कि आप फलसफा को ना पढ़ें, बल्कि आप अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करें, अहलुल्लाह की बातें करें, मगर उनको फलसफा की रगबत थी, इतनी रगबत कि वो ज़बानी किताबें याद कर ली। एक मरतबा आपकी चचा आपको हुजूर गौसे आदम रदियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में ले गए, और हुजूर गौसे आदम से कहा हजरत मेरा ये भतीजा है, इसका नाम शहाबुद्दीन उमर सोहरवर उमर है, और ये फलसफे के अंदर बड़ी रगबत रखता है, मैं चाहता हूँ हुजूर आप इसको कुछ नसीहत फरमाएं और फलसफे के साथ इसकी रगबत खत्म हो। हुजूर गौसे आदम ने शेख शहाबुद्दीन पे तवज्जो डाली और पूछा बताओ भाई तुम्हें कौन कौन सी किताबें याद हैं। आपने धड़ाधड़ किताबों के नाम लेना शुरू कर दिए, मुझे ये भी याद, मुझे ये भी याद, मुझे ये भी याद, मुझे ये भी याद। फरमाते हुजूर गौसे आदम मुस्कुराए और अपना सीधा हाथ मेरे कल्ब पर रखा, और जब कल्ब पर रखकर जब हुजूर गौसे आदम ने अपना हाथ हटाया तो जितनी किताबें मैंने ज़बानी याद रखी थी वो सारी किताबें मैं भूल गया, कोई एक लफ्ज़ मुझे याद नहीं आ रहा। अब मैं हैरान और परेशान, मेरा जितना इल्म था वो सारा का सारा सिमट चुका था, वो सारा का सारा मिट चुका था, खत्म हो चुका था। मगर फरमाते गौसे आदम ने सिर्फ खाली नहीं किया, गौसे आदम ने सीने से लगाया और इल्म हिकमत के वो समंदर मैंने सीने में भर दिए। अब जब जबान खुलती है तो अल्लाह वालों की बातें मेरी जबान से निकला करती है। फरमाया इतना करम फरमाया कि सिलसिले सोहरवर्दिया का बानी बनाया। इसी तरह हुजूर ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा गरीब नवाज मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, जब हुजूर गौसे आज़म ने ये ऐलान फरमाया ना कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलीयिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है, तो जो आपकी मजलिस में मौजूद थे उन्होंने तो सर झुकाए झुकाए, मगर जहां जहां दुनिया में अल्लाह के वली मौजूद थे उन्होंने भी अपने सर को झुकाया। यहाँ तक के ख्वाजा ख्वाजगान हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह वो सिस्तान की पहाड़ियों में महवे रियाजत थे, और गौसे आज़म बगदाद शरीफ में थे, मगर जब बगदाद शरीफ में ऐलान किया है तो ख्वाजा साहब ने काने विलायत से सिस्तान के गारों में उसको समा लिया, और जब समाज फरमाया तो जवाब क्या था आपका? जवाब ये था बल रसी व आईनी। फरमाया हुजूर आप गर्दन की बात करते हैं, ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहां जाओ रखो कदम गौसे आज़म, जहां चाहे आप कदम रखें, हम तो आपसे फैज लेने के लिए तैयार हैं। हमारी अजमतों की मेराज यह है कि गौसे आदम के कदमों की धूल हमें मिल जाए। इसी तरह हजरत शेख अकबर मोहिउद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह इनके वालिद साहब हुजूर गौसे आदम के दरबार में आए और कहने लगे हुजूर मेरे यहाँ नरीना औलाद नहीं है, मुझे नरीना औलाद चाहिए। तो हुजूर गौसे आदम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने आंखें बंद की और कल्ब की तरफ तवज्जो की और फरमाया कि भाई हमने लोहे महफूज में देखा है तुम्हारे नसीब में कोई लड़का नहीं है। बड़ी तवज्जो तलब बात है, मैं चाहूंगा थोड़ी सी तवज्जो यहाँ पर रखें, स्टेज की हलचल पे थोड़ा सा आप कम नजर रखें, थोड़ा सा मुझे देख लें, आखिरी के कलीमात इस बात को लेकर जाए कि आखिर मैं क्या रहा हूं। हुजूर गौसे आदम ने कल्ब की तरफ तवज्जो फरमाई, कहा हमने लोहे महफूज में देखा कि तुम्हारे नसीब में लड़का नहीं है। भाई लोहे महफूज है अल्लाह के अर्श के नीचे, तो लोहे महफूज पे अगर देखना चाहिए तो यूं करके देखते ऊपर करके, मगर गौसे आदम ने कहा देखा ऊपर के बजाय नीचे देखा, दिल पे देखा। क्यों देखा? अल्लामा अब्दुल वहाब शाहरानी अल-जवाकीर वल जवाहिर में लिखते हैं ये जो अल्लाह वाले होते हैं ये अल्लाह का जिक्र कर करके अपने दिल को इतना साफ और शफाफ कर लिया करते हैं कि वो मिसले आईना हो जाता है। फिर जब कहीं के जलवे देखने होते हैं, ये वहां नहीं देखते, अपने कल्ब में देखते, वहां के जलवे यहां नजर आना शुरू हो जाते हैं। जब गौसे आजम लोहे महफूज को देखना चाहा तो वहां ने यहां देखा और वहां की इबारत यहां नजर आना शुरू हो गई। फरमा के तुम्हारे नसीब में तो लड़का नहीं है। कहने के हुजूर नसीब में होता तो वैसे ही मिल जाता, आपके पास क्यों आता, वो तो वैसे ही मिल जाता, मुझे तो लड़का चाहिए। हुजूर गौसे आदम फिर मुराकबा फरमाया, कहा तुम्हारे नसीब में तो लड़का नहीं मगर हमारी पुश्त में एक लड़का मौजूद है, तुम अपनी पुश्त हमारी पुश्त के साथ मिलाओ, अल्लाह हमारी पुश्त का लड़का तुम्हारी पुश्त में मुंतकिल। तो वो जो जमाना जिसे शेख अकबर मोहिउद्दीन इब्न अरबी के नाम से जानते, वो दर हकीकत गौसे आदम की पुश्त के शहजादे थे जो इब्न अरबी से तवल्लुद हुए। तो वहां भी फैजान किसका बटा, हुजूर सय्यदुना गौसे आदम रदियल्लाहु ताला अन्हु का। अब आखिरी बात, चूंकि स्टेज पर माशाल्लाह बड़ी तादाद में सना खाने रसूल मौजूद हैं, ये सब मसरूफ होते हैं माशाल्लाह, आगे भी इन्होंने टाइम दिया होगा, जाना होगा। आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अल्लाह ने ये जो निस्बतें हमें दी ना, निस्बतों की कदर की दी है। ये जो आपको गौस पाक का मानने वाला बना दिया ना, ये कोई हल्की बात नहीं है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है कि अल्लाह ने आपको गौस पाक का मानने वाला बनाया। हर किसी को ये निस्बत नहीं मिली। जब अल्लाह ने ये निस्बत दी, निस्बतों की कदर की दी है। इन निस्बतों के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत कीजिए। हुजूर ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर निस्बतों की कदर किसी को देखनी है तो मरकर देखे। किसी ने पूछा हुजूर इसका मतलब क्या है? आप फरमाते कि हमारे पीर भाई था, वो ये कहता था कि मैंने अपने पीर से बेअत तोड़ दी है, यानी ख्वाजा उस्मान हारवनी के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मैं उनका मुरीद नहीं, मैंने बेअत तोड़ दी। सब उससे बड़ा समझाता मगर उसकी समझ में नहीं आता। फरमाते उसका इंतकाल हो गया, मैं उसके जनाजे में शरीक हुआ, उसकी तदफीन में शरीक हुआ। जब सारे लोग दफना कर चले गए तो मैं कब्र पर मुराकबा करने के लिए बैठ गया, जरा देखूं कब्र के अंदर हो क्या रहा है। लोग तो नबी के बारे में परेशान हैं कि नबी को दीवार के पीछे का नहीं पता, तुम नबी की अजमतों का अंदाजा क्या लगाओ। रसूलुल्लाह के गुलाम यहाँ बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं तो कब्र में देख लिया करते हैं। ये शान है उनके गुलामों की, सरकार का आलम क्या होगा। फरमाते मैंने देखा कि पाँव की जानिब से मुनकिर नकीर कब्र में दाखिल हुए और सर की जानिब से हमारे पीर ख्वाजा उस्मान हारूनी कब्र में तशरीफ लेकर आए। तो मुनकिर नकीर ने जब उसे उठाना चाहा, पाँव का अंगूठा पकड़ के उठाया, उठो सवाल जवाब करने, तो कहते मेरे पीर कहने लगे हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी भाई मुसाफिर है, बड़ा लंबा सफर दे कर आया है, क्यों उठाते हो? कहा हजरत सवाल जवाब का टाइम है। तो कहते मेरे शेख ने कहा जो पूछना है हमसे पूछ लो, जो पूछ रहे हमसे पूछ लो। तो फरिश्तों ने कहा हजरत ये तो कहता था आपका मुरीद ही नहीं है, पूरे जमाने में ढंडोरा पीट रखा था, मैंने बेअत तोड़ दी, मैं उनका मुरीद नहीं हूं, और आप इसकी कब्र में आ गए। कहते मेरे शेख मुस्कुराए और कहा ये कहता था ना मेरा मुरीद नहीं है, मैंने तो कभी नहीं कहा कि ये मेरा मुरीद नहीं है। जब एक मरतबा हाथ में ले लिया है तो छोड़ते। हुजूर गौसे आदम ये फरमाते मैं अपने मुरीद पर इस तरह साया फिकन हूं जिस तरह जमीन पर आसमान साया फिकन है, वो मेरी हमेशा निगहबानी के अंदर है। ये निस्बतें कब्र में भी काम आने वाली हैं और रोजे हशर भी आपके काम आने वाली हैं। सरकार गौसे आलम का फरमान है मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक मेरा एक भी मुरीद जन्नत में जाने से। इसका मतलब ये है कि आज भी अगर कोई कादरी होता है तो अब्दुल कादरी की निगाहों में हुआ करता है, वो अपने एक एक मुरीद को पहचाना करते हैं। तो हुजूर गौसे आजम को जो फरमान है, यानी कयामत वाले दिन सब दाएं बाएं भाग रहे होंगे, सब रिश्तेदार छोड़कर भाग रहे होंगे, और गौसे आजम मैदान महशर में अपने गुलामों को अपने दामन में छुपा रहे होंगे, और अपने दामन में छुपाकर जब जन्नत में ले जा रहे होंगे, वो तो है भी मुत्तकी परहेजगार, वो तो है जन्नत वाले, है पक्की जन्नती। हम निकम्मे नाकार और रूसिया डर रहे होंगे, सहम रहे होंगे जन्नत की तरफ जाते हुए। फरिश्ते रोकेंगे भाई तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा तो कोई काम ही ऐसा नहीं, कोई अमल ही ऐसा नहीं कि तुम जन्नत में चले जाओ, तुम किधर चलते चले जा रहे हो। तो उस दिन फरिश्तों से हम कहेंगे कि हम अपने अमल की बदौलत जन्नत में नहीं जा रहे, अरे हमें तो अमल पे नाज है ही नहीं, अगर नाज है तो पीराने पीर की निस्बत के ऊपर हमें नाज है। फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आदम। ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आजम का। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने ऐसी निस्बतें दी हैं। अब जब निस्बतें दी हैं तो निस्बतों की कदर की है। हुजूर गौसे आजम 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे। आप 40 साल ये काम ना करें, आप 40 दिन ये कर लें कि ईशा के वजू से ईशा और फजर के वजू से फजर पढ़ लें। इतना तो कर कर दिखा दे। आप ना पढ़े पूरी पूरी रात, वजू बरकरार ना रखें भाई, ईशा की वजू से ईशा पढ़ लो, फजर के वजू से फजर पढ़ लो। गौसे आजम 15 साल तक रोजाना एक रात में कुरान खत्म करते रहे। आप नहीं करो एक रात में कुरान, नहीं एक महीने में तो कुरान खत्म कर सकते हो ना। कादरी निस्बत है तो कम से कम कादरी रंग तो होना चाहिए। अल्लाह करीम हमारी निस्बतों को सलामत रखे, इस महफिल के फुज़ूल व बरकात हम सबको नसीब फरमाए। मेरे इस मुख्तसर से कहे को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अदा फरमाए। आमीन। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।